पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफो का डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वेस्टर्न रहा, अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज हुई है। उसके अलावा एक जगह वेरी हैवी रेनफॉल भी दर्ज हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा मलकानगिरी में पाड़िया में 140 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। हीरागुद का मैक्सिमम टेम्परेचर 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर में 32.7 और कटक में 34 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम जो डे टेम्परेचर दर्ज किए गए। अगर बात करें सीजनल टोटल की, तो 1 जून से लेके आज 1 सितंबर तक अभी जो रेनफॉल है 831.9 मिलीमीटर दर्ज हुई है, जो कि सामान्य से अभी भी 10% नीचे चल रही है। 9 डिस्ट्रिक्ट जो है अभी भी डेफिशिएंट कैटेगरी में बने हुए हैं। सिस्टम की बात करें तो जो डिप्रेशन है वो 8:30 की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से साउथ उड़ीसा और एडजॉइनिंग साउथ छत्तीसगढ़ और नॉर्थ आंध्र प्रदेश के ऊपर लैटिट्यूड जो है 18.7 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड 82.4 डिग्री ईस्ट के ऊपर लाई कर रहा है। इसकी जो पोजीशन है 60 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ जगदलपुर, जो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से 60 किलोमीटर दूर है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, 70 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ मलकानगिरी, 150 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ विशाखापट्टनम, 190 किलोमीटर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ कलिंगापट्टनम एंड 310 किलोमीटर ईस्ट ऑफ रामागुंडम। इट इज ये जो सिस्टम है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करेगा और यह सिस्टम अगले 24 घंटे में वेलमांग लो प्रेशर एरिया में कमजोर हो सकता है और जब मूव करेगा तो साउथ उड़ीसा, साउथ छत्तीसगढ़ और विदर्भ के होते हुए जाएगा। दूसरा जो सिस्टम है मानसून ट्रफ का, जो कि श्री गंगानगर गुना मांडला से होता हुआ डिप्रेशन के सेंटर से ईस्ट साउथ ईस्टवर्ड होता हुआ वेस्ट सेंट्रल बंगाल की तरफ जा रहा है। तो इन दो सिस्टम के प्रभाव की वजह से आज जो साउथ उड़ीसा में फेयरली वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है और नॉर्थ उड़ीसा में स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। डे टू में 2 तारीख को जो हमारा नॉर्थ उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन में स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और साउथ उड़ीसा में आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। डे 3 और 4 में 3 और 4 तारीख को होल उड़ीसा के ऊपर स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। डे 5 में उड़ीसा में फेयरली वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना, 6 तारीख को भी फेयरली वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। तो डे 1 में मलकानगिरी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस से हैवी रेनफॉल की संभावना है सिस्टम की वजह से, इसलिए येलो वार्निंग दी गई है। डे 5 में जाएंगे 5 तारीख को संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकनाल, नयागढ़, खुर्दा, कटक, पुरी इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस से हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और थंडरस्टॉर्म भी होने की संभावना है, जिस वजह से येलो वार्निंग दी गई है।